लोग को कुछ जानकारी है कि हम लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? किसी ने बताया? किसी बच्चे को पता है? नहीं, आपको पता है? बताइए, वहीं से बताइए। सर, हमारे सर म्यूजिकल वर्कशॉप होगी। वेरी गुड। जिसमें हम सर सर भारतीय संस्कृति कला बजानेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा आप ही के बीच एक बच्चे ने बताया कि हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही अच्छी कार्यशाला, एक बहुत ही यूजफुल जानकारी, उपयोगी जानकारी वाली कार्यशाला आप बच्चों के लिए लेकर, और उस कार्यशाला में हम आज क्या क्या सीखेंगे। हम एक पहली चीज सीखेंगे कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे संगीत की जड़ है, जो जितने भी तरह के आप गाने सुनते हैं उसमें जितने भी तरह के की शास्त्रीयता है, वो शास्त्रीयता जिस संगीत से जुड़ी हुई है उस संगीत के बारे में जानेंगे। उसके अलावा हम जो रंगमंच है, जिसको हम थिएटर कहते हैं या जिससे निकलकर लोग एक्टिंग करते हैं, उस थिएटर की वर्कशॉप के बारे में जानेंगे। और आखिर में इस वक्त जो आप लोग के ऊपर, यानी छोटे बच्चों के ऊपर, स्कूली बच्चों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश को साफ रखने की, स्वच्छ भारत अभियान की, उसके लिए आपको हम एक छोटा सा नाटक दिखाएंगे। देखिए, जो नाटक होता है उसमें हमको दो चीजें को हमेशा इन्वॉल्व रखना पड़ता है, एक तो अपने शरीर को, हमारी जो बॉडी है, और उसके साथ जो है हमारा माइंड। तो बॉडी और माइंड हमेशा हमारा एक्टिव रहना चाहिए। वो अगर अलर्ट नहीं है, वो अगर एक साथ काम नहीं कर रहा है, तो हम नाटक को तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा शरीर वहां पर नहीं है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, बहुत थके हुए हैं, या हमारा मन नहीं है, तो फिर हम नाटक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह अगर हमारा शरीर वहां पर है और मन नहीं है, वहां पर मन कहीं और है, तो भी हम नाटक में मन नहीं लगा पाएंगे, फिर अपने डायलॉग भी याद नहीं कर पाएंगे, और हमारा क्या कैरेक्टर है उसको भी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे स्टेज पर, मैं जैसा आपको बोलूंगा आप लोग वैसा करेंगे। ठीक है, स्टेज पर सब लोग चलिए, वॉक करना शुरू कीजिए अलग अलग डायरेक्शन में। चलिए चलिए, वॉक कीजिए, थोड़ा फास्ट 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 फास्ट, रन रन, भागिए दौड़िए, दूर दूर, एक दूसरे के चिपक के दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रखिए, और तेज भागिए, एंड स्टॉप। सिर्फ सा, एक मिनट सुर में बोलने की कोशिश करेंगे तो सारे सुर अपने आप ठीक हो जाएंगे। सा दोबारा बोलिए।